हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने इंस्पिरेशन के बारे में किया था। इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के, एंड अवर लंग्स इंक्रीज अप इन द वॉल्यूम, उसका मतलब है इंस्पिरेशन। नाउ अवर टुडेज टॉपिक इज एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द पर्सन expires out, exhale out the air from their body. इसका क्या है? The intercostal muscles and the diaphragm relax. The thorax regains its original position. देखो पहले क्या था, पहले हमारी जो lungs हैं उनकी volume increase करने के लिए diaphragm और external intercostal muscles जो थी वो contract हो रही थी, ताकि वो वर्टिकल एज वेल एज द डॉर्सल वेंट्रल वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके। तो ये बेसिकली जो बात है इंटरकोस्टल मसल्स की, दिस इज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। थोरैक्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, रेस्ट वाली पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर जो है दोबारा अंदर हमारे माउथ में आ जाएगी, जब व्हेन वी विल ट्राई टू एक्सपायर। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से बेसिकली प्रेशर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड एयर विल मूव आउट, क्योंकि जो हाई प्रेशर से जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हाई प्रेशर से एयर है वो लो प्रेशर में मतलब बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, एंड एयर इज एक्सपायर्ड आउट। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल्स हैं जो वो भी काम करती हैं, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, एक्सपिरेशन के केस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के केस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर फिनोमिना। नाउ लेट अस कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है, दीज आर द लंग्स, दिस इज द डायफ्राम दैट इज प्लेइंग द रोल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दीज आर द लंग्स जिसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इज द प्लूरा दैट इज प्रोटेक्टिंग द लंग्स। एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग मतलब बाहर की तरफ जब एयर मूव कर रही है तो जो हमारी सारी थोरेसिक वॉल्यूम है, लंग वॉल्यूम है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। द टाइडल वॉल्यूम, द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV और कॉम्प्लीमेंटल एयर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV और सप्लीमेंटल एयर, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। दीज आर द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दैट यू हैव टू रिमेम्बर इन योर सिलेबस, एंड यू हैव टू लॉजिकली अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। ओके, वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रेथ। जब हम फोर्सफुल ना ही एक्सपिरेशन करे हैं ना ही इंस्पिरेशन करे हैं, नॉर्मली जब हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं, जितनी एयर हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट इज अबाउट 500 मिलीलीटर, दैट इज हाफ मिलीलीटर, सॉरी हाफ लीटर, एंड 6 to 8 लीटर पर मिनट। एक मिनट में हम 8 लीटर हवा जो है अंदर और बाहर कर लेते हैं। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम।
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम नॉर्मली इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे अंदर कितनी हवा जा रही है? 500 मिलीलीटर. पर जब हम फोर्सफुली हवा अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी हवा जा रही है? 2500 to 3 liter एयर. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन. एंड दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी हवा हमारी लंग्स के अंदर जा सकती है. 3 liter, 3 liter ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड बाय अवर लंग्स. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जितनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज 1100 milliliter. 1100 milliliter ऑफ द एयर इज एक्सपिरेटरी. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम अंदर तो बहुत ज्यादा एयर लेते हैं बट बाहर थोड़ी कम निकाल पाते हैं. बाकी की एयर हमारे रेजिड्यूअल मतलब कि लंग्स के अंदर रहती है ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें. दिस इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ठीक है, ये देखो हमारी टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी थी? 2500 to 3000. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी? 1100. एंड 2500 में से आप 1100 को माइनस करो, माइनस 1100 कितनी रह गई? अप्रोक्सीमेटली 1300. दिस इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो हमारी लंग्स के अंदर हमेशा रहती ही रहती है. दिस इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो ये क्यों रहती है? ताकि हमारी लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि हमने अगर लंग्स में से सारी हवा ही बाहर निकाल दी तो बाद में वो एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि एल्वोलाई की जो सरफेस होती है ना बहुत ज्यादा थिन होती है. एक बार अगर सारी हवा बाहर निकल गई तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? पहले हमने क्या की थी? इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 3000. टाइडल वॉल्यूम कितनी है हमारी? 500. एंड IRV कितनी है? 3000 से लेके 2500 से लेके 3000. तो इट इज नाउ 3500 milliliter, 3000 to 3500 milliliter. दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुल जब हम एयर लेते हैं अंदर तो कितनी ज्यादा एयर हम ले सकते हैं? दैट इज द टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. देखो अपने सांस बिल्कुल आराम से अंदर ली, ठीक है, और उसके बाद जब आप फोर्सफुली सांस बाहर निकालोगे तब कितनी एयर आपकी बाहर निकलेगी? दैट इज 1500 to 1600 milliliter. दिस इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. या 1500 to 1600 milliliter. आप अगर 2500 में से आप 1500 माइनस करोगे तो कितनी बच गई? 1000 to 1200. तो ये क्या हो गई हमारी? रेजिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. फंक्शनली जो नॉर्मल हम नॉर्मली बाहर निकाल रहे हैं अपनी हवा, नॉट फोर्सफुली, तब हमारी लंग्स के अंदर इतनी एयर रहती है. दैट इज 2100 to 2300 milliliter. और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं,
तो हम बहुत ही ज्यादा एयर अपनी अंदर ले सकते हैं, दैट इज 3500 to 4500 मिलीलीटर। दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब टोटली जितनी भी एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, जितनी एयर हमारी लंग्स के अंदर ऑलरेडी है और जितनी एयर रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, ये सारी क्या हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी हो गई। ये सारी हमारी वाइटल कैपेसिटी हो गई प्लस आरवी रेजिडुअल, सॉरी ये तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, ये तीनों चीजें हमारी वाइटल कैपेसिटी होगी। ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इसमें से अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी एंड दैट इज 500 to 600 मिलीलीटर। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में हमारा लास्ट पॉइंट है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नॉस्ट्रल टू ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड द डेड स्पेस, डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी साइकिल जो है बेसिकली दैट इज एन इंस्पिरेशन प्लस एन एक्सपिरेशन, एक अंदर लेते हैं सांस और एक बाहर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। एंड रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर क्या है, एक रेस्पायरोमीटर है टू चेक द नॉर्मल ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, हम दोबारा से सारी लंग कैपेसिटीज को रिवाइज करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज द टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर इज अवर टाइडल वॉल्यूम दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जितनी हम एयर अंदर ले सकते हैं दैट इज 2500 to 3000 मिलीलीटर। जब हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे तो हमारी 2500 गुना मतलब कि 5 times more will increase the capacity of our lungs for inspiration, क्योंकि normal tidal क्या है 500 and forceful क्या है 2500। expiratory क्या है, expiratory is forcefully हम कितनी air बाहर निकाल सकते हैं that is 1000 to 1100 milliliter। रेजिडुअल क्या है, रेजिडुअल है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी एयर हमारी जितनी लंग्स के अंदर बच जाती है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। सपोज करो आपने नॉर्मली सांस ली, उसके बाद आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो, नॉर्मली सांस तो आपने ले ली 500 और उसके बाद आप फोर्सफुली जितनी एयर अंदर खींच सकते हो दैट इज टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, दिस इज द इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब आप देखो कि आपने नॉर्मली एक सांस बाहर निकाली, उसके बाद आप जितनी सांस बाहर निकाल सकते हो वो है आपकी ईआरवी, मतलब वो है आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दैट इज टीवी मतलब 500 प्लस ईआरवी। ईआरवी कितनी थी हमारी, 1100 या 1000, तो उसमें प्लस हो गया हमारा कितना बन गया 1500 to 1600 मिलीलीटर। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कि नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करने के बाद जितनी एयर हमारी लंग्स में बच जाती है दैट इज 2100 to 2300 मिलीलीटर। नॉर्मली इतनी एयर हमारे लंग्स में रहती ही है।
वाइटल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ईआरवी मतलब जितनी हमने एयर बाहर निकाल दी उतनी तो हम अंदर लेंगे ही लेंगे, प्लस टाइडल वॉल्यूम जितनी हम नॉर्मली लेते हैं, प्लस आईआरवी मतलब जितनी नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद हम अंदर ले सकते हैं। एंड ये है हमारी सबसे ज्यादा, दैट इज 3500 टू 4500 मिलीलीटर। इसमें हमने ईआरवी क्यों प्लस की है? क्योंकि फोर्सफुली हमने ईआरवी जितना एयर निकाला, ईआरवी जितना एयर निकाला तो उतना तो हम अंदर लेंगे ही लेंगे, फिर जितनी नॉर्मली हम लेते हैं उतनी भी लेंगे, और फिर हम फोर्सफुली जितनी ले सकते हैं उतनी भी लेंगे। दैट इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं फोर्सफुली, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी है कि कितनी एयर हमारी लंग्स होल्ड कर सकती हैं। ये है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम जितनी एयर लंग्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस ईआरवी जितनी एयर फोर्सफुली हम बाहर निकाल रहे हैं उतनी तो अंदर लेंगे ही लेंगे, प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम जितनी हम नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं उतनी लेंगे ही लेंगे, प्लस आईआरवी, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी, प्लस आरवी। दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी लंग्स के अंदर जितनी कैपेसिटी है टू ब्रीद। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, व्हाट इज टोल्ड बाय दिस ग्राफ। ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, जितनी हम अंदर लेते हैं नॉर्मली और जितनी हम नॉर्मली बाहर निकालते हैं, इतनी हम अंदर ले सकते हैं एयर अगर हम ट्राई करें फोर्सफुली, ठीक है, इतनी हमारी एयर बच जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इतनी एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, मतलब टीवी प्लस ईआरवी, इतनी एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें। एंड दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी लंग्स में एयर बच जाती है। सो दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई हमारी, आईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है हमारी ईआरवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, जितनी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद जितनी हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज ईआरवी। ये वॉल्यूम, ये हवा कभी भी बाहर नहीं निकलती है। सो दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड दिस इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, बिकॉज नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम इतनी एयर जो है ये बाहर नहीं निकलती है। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मतलब जितनी एयर हम नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। वाइटल कैपेसिटी मींस जितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं, लंग्स कितनी एयर कैरी कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम पे कितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं। एंड दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो, इन्होंने हमें वीसी का फॉर्मूला मतलब कि वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया था, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। हालांकि होना क्या चाहिए, बहुत बच्चों के मन में डाउट रह जाता है दैट दिस शुड बी द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड ईआरवी, क्योंकि देखो हमने ये मतलब कि ये देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड ईआरवी, क्योंकि फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तो ये वाली एयर बाहर निकल जाएगी, इतनी एयर तो हमारी लंग्स में आएगी ही आएगी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद। ईआरवी जितनी एयर तो हम नॉर्मली एक्सहेल कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे दैट इज 500 मिलीलीटर, उसके बाद हम फोर्सफुल इनहेलेशन भी करेंगे दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, आई होप आपको समझ आ गया। बाकी डेफिनेशन है जो वो आप कर सकते हो फ्रॉम दिस PPT. Now, respiratory volumes and capacity. Part of respiratory tract from nostrils to terminal bronchi not involved in the gaseous exchange is called dead space. Dead air volume is about 150 milliliter.
डेड एयर स्पेस इज अबाउट 150 मिलीलीटर. नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंकाई तक जितनी भी एयर, जितना भी पाथवे है जो गैसेस एक्सचेंज में काम नहीं कर रहा, उसको डेड स्पेस बोलते हैं. एंड डेड स्पेस के अंदर 150 मिलीलीटर जितनी एयर हमारी नॉर्मली रहती है. नाउ एक रेस्पिरेटरी साइकिल का मतलब क्या है? वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन. एक रेस्पिरेटरी साइकिल का मतलब वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेटरी या नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा कितना है? That is 12 to 16 times per minute. And spirometer क्या है? Spirometer measures the respiratory rate. Spirometer measures the respiratory rate. Now gaseous exchange. Gaseous exchange between the alveoli and the blood, and the blood and the tissue and the tissue and the cells. Gas exchange occurs between alveoli and the blood and the tissues. कि पहले alveoli blood को देता है, blood different tissues के पास लेके जाते हैं and different tissues फिर blood से oxygen को ले लेते हैं. Alveoli are the primary sites of gas exchange. Alveoli जो है primary organs है जो gaseous exchange करते हैं. Alveoli के अंदर एयर है. Alveoli की सरफेस बहुत ज्यादा थिन होती है. थिन इसीलिए होती है ताकि वो गैसियस एक्सचेंज कर सके. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. जो गैसियस एक्सचेंज Alveoli और ब्लड के अंदर हो रही है, दिस इज अकरिंग विद द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से ही जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के बाहर चली जाती है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जिस चीज का अमाउंट ज्यादा होगा जिस चीज में, जैसे ब्लड में जब ब्लड लंग्स के पास आता है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास चली जाती है, मतलब एल्वेलाई के पास चली जाती है. और एल्वेलाई फिल्ड होते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए एल्वेलाई अपना ऑक्सीजन ब्लड को दे देते हैं. अब जब ब्लड चला जाता है टिश्यूज के पास, तो टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो ब्लड क्या होता है, अपना ऑक्सीजन उनको दे देता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जिस चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो चीज बाहर निकल के दूसरी तरफ चली जाएगी. एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. मतलब देखो ब्लड की कॉम्पोजिशन, हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन इस तरीके से है कि जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ द गैसेस आर सॉल्युबल इन द ब्लड एंड सॉल्युबल होंगी तभी वो ट्रांसफर हो पाएंगी. तो ये डिपेंड करता है कि गैसेस सॉल्युबल है तभी अच्छे से ट्रांसफर हो सकती हैं. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स. अगर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक होगी तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी. डिफ्यूजन वैसे भी विदाउट मेम्ब्रेन होती है, बट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकती है. बट मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो डिफ्यूजन के अमाउंट को कम कर देती है. इसीलिए हमारे जो एल्वियोलाई है वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं. एंड जो हमारे कैपिलरीज है, कैपिलरीज से बेसिकली टिश्यू टिश्यू में से एक्सचेंज होता है. कैपिलरीज की जो थिकनेस होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है. दैट कैपिलरीज आर ऑल्सो वेरी वेरी थिन. सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एक्सचेंज हो पाएगी. ठीक है, जितनी ज्यादा जगह होगी एक्सचेंज होने के लिए उतना ज्यादा एक्सचेंज क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट होगा. ये सारी चीजें हमारी लंग्स में बहुत अच्छे से प्रेजेंट है. एल्वेलाई क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए वो क्या है, अच्छे से एक्सचेंज कर पाते हैं. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं या प्रेशर की बात करते हैं. द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गैस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. अब जैसे हमारी एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जब हम इनहेलेशन करते हैं या ब्रीद इन करते हैं तब हम एयर ही अंदर ले रहे हैं, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसको बोलेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 आर एज बिलो. एटमोस्फेरिक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज वेरी मच हाई, दैट इज 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा कम होता है,
इसीलिए जो हमारी एयर होती है जिसको हम ब्रीद इन करते हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है, इसीलिए लंग्स हैं ब्लड को ऑक्सीजन प्रॉपरली दे पाती हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है दैट इज वेरी वेरी लो। देन इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर जाके फर्दर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है वो हो जाता है 104, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा है, इसीलिए एल्वियोलाई है जो वो ब्लड से एक्सचेंज कर लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड एल्वियोलाई के पास आया है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, तो ये क्या हो गया, दिस इज द हाई प्रेशर एंड दिस इज द लो प्रेशर। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो हाई टू लो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आ जाएगी ऑक्सीजन, एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अब ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 95, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया, और टिश्यूज के पास हमेशा है जो ऑक्सीजन का प्रेशर 40 ही रहता है। इसीलिए जब ब्लड टिश्यूज के पास जाता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जाता है तो टिश्यूज उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं बड़े आराम से। इसी तरीके से हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन हो गया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर अप टू द टिश्यूज, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है 45, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45, तो लो तो हाई टू लो जाएगा, मतलब ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ये 40 ही रहता है और टिश्यूज के अंदर क्या है 45, टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 45 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है 40, तो ये क्या करेगा फर्दर हाई टू लो मूव कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड के अंदर एंड ब्लड को कर देगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, समझ आ गया। चाहे डिफरेंस 5 mm/Hg का ही है लेकिन 5 mm/Hg का डिफरेंस ही काफी है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमें ज्यादा चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी कार्बोनेट्स के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, बट यस पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स। इसी वजह से जो हम है एक्सहेल आउट करते हैं जब एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। आज हमने की है वॉल्यूम इंस्पिरेट, जो लंग वॉल्यूम्स की है, लंग कैपेसिटीज की है, एंड द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।